हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो एम एस 20। मैं आनंद राजपूत आपका स्वागत करता हूँ आज के ब्लॉग के अंदर। जी हाँ, थंबनेल आपने पढ़ लिया है, टू व्हीलर की कीमत में फोर व्हीलर भी अवेलेबल करवा के दूंगा, प्रॉमिस किया था, अभी लेकर आया हूँ। कीमत देनी है टू व्हीलर की और ले जानी है फोर व्हीलर। हम आए हैं यहाँ पर आज़ाद चौक के नज़दीक लकी ऑटो कंसल्टेंट के ऊपर। यहाँ पर आपको बेहतरीन गाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है, प्राइजेस के साथ आप थोड़ी प्राइजेस आपको कम मिलने वाली है बिल्कुल ही, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको करना पड़ेगा। वो हिसाब से यहाँ पर बहुत सारा कलेक्शन होता है, कोई फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर गाड़ियाँ भी यहाँ पर अवेलेबल होती है। एसयूवीज बोलिएगा या फिर हैचबैक या कमर्शियल व्हीकल, सब कुछ ये लोग डील करते हैं। तो एक एक कर मैं आपको गाड़ियाँ बताऊँगा। यहाँ पर जो सर है वो हमको अभी होस्ट कर रहे हैं और बताएंगे कि कौन सी गाड़ियाँ है और किस किस कीमत में हमको मिलने वाली है। तो वेलकम सर, वेलकम टू ऑटो एमएस 20। आज आप पहली बार हमारे ब्लॉग के ऊपर आ रहे हैं, तो सर हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से। तो जो पहली गाड़ी है इसका नाम बताइएगा कौन सा है। ये गाड़ी स्विफ्ट वीडीआई है 2007। इधर से आइएगा ऐसा, स्विफ्ट वीडीआई है 2007 का मॉडल है। 2007 का स्विफ्ट वीडीआई है। ये ओरिजिनल का कलर है गाड़ी का, ओरिजिनल कलर है, सायन कलर के अंदर आपको गाड़ी दिखाई दे रहा होगा। MH4 पासिंग के अंदर है। क्या पूछ रहे हैं इसका? इसका 1,70,000 का गाड़ी है, 2007 का मॉडल है। पेट्रोल या डीजल? डीजल वीडीआई मॉडल रहेगा। कितना किलोमीटर चला है गाड़ी? 1,35,000 ये गाड़ी चला हुआ है। तो सर अभी ये गाड़ी होगी, नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करेंगे। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, 2012 का मॉडल है, 2012 का मॉडल रहेगा। इसका ऑफर जो है तो 3,10,000 रुपये है, 3,10,000 ऑफर रहेगा। ओके, और चला हुआ गाड़ी जो है तो 1,95,000 चला हुआ, 95,000 गाड़ी चला है। डीजल है ये भी? डीजल है। ओके सर, सिल्वर कलर में गाड़ी था। इसका पासिंग मुंबई है कैसे? मुंबई पासिंग गाड़ी रहेगा। अभी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ मूव करते हैं। ये ओमनी, ओमनी गाड़ी, इसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड है गाड़ी की। ओमनी गाड़ी 2009 का मॉडल है, 2009 का मॉडल है, और इसका LPG पेट्रोल ऑथोराइज है। पेट्रोल LPG की जो होता है ना, ये पेट्रोल वेरिएंट है, इसमें LPG ऑथोराइज लगाया हुआ है। तो कितना? 2009 का मॉडल है, 2009 ऑफर जो है तो 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये ऑफर है, 2009 का मॉडल रहे, 1,35,000 चला हुआ है, 1,35,000 चला हुआ है। तो अभी नेक्स्ट गाड़ी देखेंगे यहाँ से हम। ये अर्टिगा है, 2017 का मॉडल है, 2017 का अर्टिगा गाड़ी रहेगा। फर्स्ट ओनर है इसका, ऑफर है 8.5 लाख। फर्स्ट ओनर रहेगा और कीमत रहेगी, टॉप मॉडल है। कितना रहेगा इसका? इसका 8.5 लाख, 8.5 लाख रुपए पूछ रहे, बाकी निगोशिएट ये लोग करने वाले हैं। और थर्ड गाड़ी यहाँ पर देखेंगे, वरना है वो पहली भी डीजल थी, अब भी जो बताया अपन ने अर्टिगा। ओके, डीजल ही गाड़ी है ये, रहा वरना ब्राउन कलर के अंदर, ब्राउन कलर में है। ये 2007 का मॉडल है, 2007 का मॉडल है, 1,40,000, 1,40,000 रुपये पूछ रहे, सिर्फ 1,40,000 की गाड़ी है। और किलोमीटर कितना चला है? किलोमीटर 1,40,000, 1,00,000 के आसपास, 1 से 1.5 लाख के आसपास कुछ तो भी चला है गाड़ी। तो ठीक है, बाकी गाड़ी जो है फर्स्ट ओनर रहेगी, सेकेंड ओनर गाड़ी रहने वाली है। और एक बात अगर आपको बताओ, आप बोल रहे थे बाइक के कीमत के अंदर मैं गाड़ियाँ बताने वाला था, तो ठीक है मिलेगी, बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, आगे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। मैं सीक्वेंस वाइज जा रहा हूँ, तो कुछ गाड़ी की कीमत आपको कम ज़्यादा लगेगी, तो ठीक है वो निगोशिएट भी कर देंगे। और गाड़ी टू व्हीलर की कीमत वाली भी गाड़ियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये नेक्स्ट गाड़ी कौन सा है? ये तो ये कॉलेज गाड़ी है, 2001 का मॉडल है, 2001 का टोयोटा का कॉलेज गाड़ी है, कॉलेज मॉडल है, कॉलेज का, हाँ यस यस, टोयोटा कॉलेज। 2022 तक उसका RR इंश्योरेंस वगैरह सब चालू है, RR 2022 तक रहेगा। और GS मॉडल, GS मॉडल है, फुल लोडेड वाला डबल AC। ये गाड़ी मैंने लास्ट टाइम जब टोयोटा के शोरूम में देखा था, सर्विसिंग के लिए गया था, हमारे ETOS के, हमारे दोस्त की ETOS थी, 7 लाख किलोमीटर तक चल गई थी और गाड़ी का इंजन अभी तक खुला नहीं था, ऐसा उनका दावा था वहाँ पर। तो मैं खुद देख कर आया था, क्वालिटी बहुत अच्छी गाड़ी थी और मार्केट भी उन्होंने बहुत अच्छा होल्ड किया। आप अगर परचेस करना चाहते हो तो ये गाड़ी भी परचेस कर सकते हो, 1,30,000 रुपये के अंदर, बाकी निगोशिएट भी होगा। 7 सीटर गाड़ी है और प्रॉपर 7 सीटर है, 9+1 है, ओके 9+1 गाड़ी है। तो चलो ठीक है, अभी अगली गाड़ी देखेंगे। अभी पिछली लेन जो है इसमें तो अलॉयज भी लगे हैं, एक बार देख लेना। फुल लोडेड है, फुल लोडेड गाड़ी है, अलॉय व्हील्स आफ्टर मार्केट दिए गए हैं।
क्लैडिंग वैडिंग भी दिया है हाइट ज़्यादा होने के कारण से, MH09 पासिंग। और ये रहा रेड कलर में एक स्विफ्ट, और यहाँ कौन सा है? ये 2008 का मॉडल है, लोगन है। 2008 का लोगन है, रेनो कंपनी ने लॉन्च हुई थी उस वक्त का गाड़ी है। डीजल है, डीजल डीजल। तो ये महिंद्रा का नहीं है, ये रेनो का है? महिंद्रा का है, महिंद्रा का, रेनॉल्ट का नहीं, महिंद्रा का। महिंद्रा का लोगन है, ओके, महिंद्रा रेनो लोगन उनका टाइप का है। 2008 1 लाख रुपए ऑफर है, चला हुआ है 1.20, 1.20 चला हुआ है। और फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर? ये सेकंड ओनर, सेकंड ओनर। तो ठीक है, डीजल गाड़ी रहेगा, बाकी आप देख सकते हैं आपको गाड़ी कैसा पर्तल खाता है, आप निगोशिएशन कर पाए तो निगोशिएशन कर लेना। ये गाड़ी स्विफ्ट, स्विफ्ट है ये गाड़ी, स्विफ्ट है, पेट्रोल LXi। इसका जो है तो 2006 का मॉडल है, 2006 का मॉडल है, 85 ऑफर है इसका, और चला हुआ है 1.5 लाख, 1.5 लाख चला है। और 85,000 रुपये पूछ रहे हैं, 85,000 रुपये के अंदर भी कम ज़्यादा हो जाने वाला है। और रही बात कंडीशंस की, तो थोड़ा बहुत 19-20 कंडीशन है जो हिसाब से गाड़ियों की कीमतें है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपको गाड़ी बहुत ही कम कीमत में मिल रही है और आप फिर उसमें भी डिमांड करो कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखना। गाड़ियाँ आप चला सकते हो क्योंकि कीमत उस तरीके की ऑफ़र हुई है सर के तरफ से, उसी हिसाब से आपको गाड़ियाँ मिलने वाली है। तो इनके पेपर्स क्लियर होते हैं क्या? पेपर्स क्लियर है, टोटल पेपर क्लियर है, ख़त्म है इनका इंश्योरेंस। ये दोनों गाड़ियाँ जो थी, स्विफ्ट और लोगन, उनका ख़त्म हो चुका है इंश्योरेंस। ये नैनो है, ये टाटा कंपनी का नैनो गाड़ी है, गाड़ी है 2010 का मॉडल है, 2010 का मॉडल है। इसका जो है तो ऑफर 40,000 है, 40,000 रुपये सिर्फ पूछ रहे हैं नैनो के लिए। आज स्प्लेंडर भी लेने जाओ, नई लेते हो तो 1 लाख रुपये तक चली जाती है, 80-90 हज़ार में कुछ तो स्प्लेंडर आ रही है अभी, और सेकंड में भी 50,000 में मिल रही है, और चले हुआ 45,000 है सिर्फ। ओके, 45,000 सिर्फ पेट्रोल गाड़ी है, 45,000 चला है। ओनर कौन सा है? ओनर सेकंड ओनर, सेकंड ओनर रहेगा। ओके, सेकंड ओनर गाड़ी है, और कितने में? 40,000 रुपये, सिर्फ 40,000 के अंदर गाड़ी पूछा जा रहा है। और पेपर वर्क आप करवाते हैं या कैसे होता है? खत्म है इसका इंश्योरेंस, खत्म है इंश्योरेंस का, आपको करवाना पड़ेगा इंश्योरेंस, और नाम का खर्चा, नाम का खर्चा भी आपका ही रहने वाला है। लास्ट और फाइनल कार रहेगी तो 2005 का है, 2005 का गाड़ी रहेगा इसका जो है तो, ये समझो अच्छा, MH12 पासिंग गाड़ी है, थोड़ा सा गोल्डन कलर के अंदर गाड़ी आपको दिखेगा। 20,000 रुपये ऑफर है, 30, ओके 30,000 रुपये ऑफर है, और उसमें भी निगोशिएट हो जाएगा, देखिएगा। 30,000 रुपये में क्या चाहिए आपको? एक चार चक्के वाली गाड़ी मिल रही है आपको, आप देखिए कीमत वही हिसाब से होती है गाड़ियों के। इनका मेड कब का है, कब की गाड़ी है? 2005 का है, 2005 का गाड़ी रहेगा। आरआर ख़त्म हो चुका है, सब आपको करवाना पड़ेगा इंश्योरेंस, आरआर आपको करवाना पड़ेगा, पर गाड़ी 30,000 रुपये में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज ये इतनी गाड़ियाँ थी, नहीं यहाँ पर एक टवेरा भी लगी, देखिए टवेरा और स्कॉर्पियो भूल गए थे, चलो देख लेंगे एक बार। एक टवेरा जो रहेगी यहाँ पर, पहले अपन टवेरा कवर कर लेंगे सर। ये दो टवेरा है, 2006 का मॉडल है, इसका आरआर वगैरह 25 तक है, इंश्योरेंस भी। 2000 कब का है? 2005 का है, 2005 का गाड़ी है टवेरा। ये कितने सीटर है? ये 9+1, 9+1 सीटर है ये गाड़ी। आरआर वगैरह इंश्योरेंस, आरआर क्लियर है, इंश्योरेंस भी क्लियर है गाड़ी का। कब का बोले आप? 25 तक आरआर है, और गाड़ी कब की है? 2005 का है, 2005 का है, और कितना पूछ रहे हैं? 1,60,000, 1,60,000 पूछ रहे, बाकी कम हो जाएगा इसके अंदर। देखिएगा चीप कीमतों में गाड़ी मिल रही है, इसमें भी निगोशिएट वो लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे भाई लोग। ये रही ब्लैक कलर में स्कॉर्पियो लाया हूँ मैं, 2006 का स्कॉर्पियो है, ओके। आरआर वगैरह इसका भी क्लियर है, आरआर ये सब क्लियर है इसका, इसका 1,90,000, 1,90,000 पूछ रहे हैं, और भी कम होने वाला है, 1,90,000 ये सिर्फ पूछने वाली अमाउंट है आपको। ठीक है, और ये गाड़ी 7 सीटर थी शायद, ये 7 सीटर गाड़ी रहेगा, बराबर है। टायर सेक्शन भी बड़ा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, R16 टायर साइज़ मिलने वाला है आपको। तो देखिएगा आपको अगर गाड़ियाँ ये पसंद आती है तो मैं कहूँगा कि आपको ये गाड़ियाँ यहाँ से आप ख़रीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एड्रेस भी मिलने वाला है और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिलने वाला है गाड़ियों का, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप क्या करते हो, एक ही सवाल पूछते हो बार बार, नंबर नहीं दिया, एड्रेस और नंबर दोनों भी हमेशा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मैं देता हूँ। कॉलिंग टाइम याद रखिएगा, सबका वर्किंग टाइम होता है 10:00 से लेकर शाम को 6 बजे तक,
उसी के बीच में आप कॉल करिएगा। आज जो मुझे एक इंटरेस्टिंग आपसे बात शेयर करनी थी, मैं बोलता हूँ कि एंटरटेनमेंट वाला भी थोड़ा सा ब्लॉग होना चाहिए, तो मैं आपका मोबाइल नंबर जानना चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर के आखिरी का जो अंक रहेगा आपका, तो वो मोबाइल नंबर का आखिरी अंक आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर या फिर इसी व्लॉग के एंड के अंदर एक ऐसी चीज़ बताऊँगा फ़नी सी कि आप भी खुश हो जाएंगे। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।